माय चैनल ऑफ रूपम्स फैशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम अपने आने वाले फेस्टिवल्स को इको फ्रेंडली बना सकते हैं और किस तरीके से अपने ही वार्डरोब में से अपने ही कुछ साड़ियां निकाल करके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के साथ और अपने क्रिएटिविटी को उसमें जोड़ के अपने ही बजट में आप कैसे खूबसूरत दिख सकते हैं, कॉन्फिडेंट दिख सकते हैं और अच्छे दिख सकते हैं। तो आज का वीडियो भी इसी के ऊपर है, लेकिन इसके बाद का। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी ही साड़ियों से किस तरीके से डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। कुछ ऐसे डिजाइन बताऊंगी जो ओवरऑल प्रिंटेड साड़ियों में से आप किस तरीके से रिक्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से उनमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और अपनी वार्डरोब को एक नया लुक दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो फिर शुरू करते हैं। और हाँ, जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है प्लीज उन्हें सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो इसी के चलते हम अपना नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने फेस्टिवल्स को इको फ्रेंडली बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको डिजाइन दिखाती हूँ, ये वाला जो ये गरारा स्टाइल है, ये बहुत ही ट्रेंड में है, बहुत ही फैशनेबल है और हर कोई इसको पहनना भी चाहता है और पहनता भी है। ये हर तरह के बॉडी टाइप पर सूट करता है, चाहे मोटा हो चाहे पतला हो। गरारा स्टाइल में जो नीचे से हिप, जो आपके थाइज एरिया है, थाइज एरिया तक बहुत फिटेड रहता है और नीज के नीचे पूरा फ्लेयर्स आता है। इसी के साथ जो उसका टॉप है, टॉप को स्ट्रेट ना देकर के एक पेपलम स्टाइल दिया है। अगर आपकी साड़ी प्योर में है, प्योर है मतलब जॉर्जेट में है या क्रेप में है या कोई भी सिल्क में है, तो ये स्टाइल बहुत सूट करेगा। लेकिन वही साड़ी अगर आपकी पॉलिएस्टर में है, मिक्स में है, तो ये स्टाइल ठीक ठीक एवरेज में जाएगा। आप बना सकते हैं लेकिन वो लुक नहीं आएगा। मार्केट में अगर ये आप सूट रेडीमेड खरीदते हैं या फैब्रिक ला करके स्टिच करवाते हैं तो इसकी कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 5,000 to 6,000 तक पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप यही स्टाइल अपनी साड़ी में से स्टिच करवाते हैं तो इसकी जो कॉस्टिंग है वो 1500 to 1600 तक में आपकी पड़ जाएगी और आप इसका भरपूर मजा भी ले सकते हैं और इस साड़ी को एक डिफरेंट स्टाइल में कन्वर्ट करके आप बहुत ब्यूटीफुल भी लग सकते हैं और बहुत कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। अगर आप इस स्टाइल को साड़ी में से रेनोवेट कराते हैं या रीस्टाइल देते हैं एक नए पैटर्न के साथ, गरारा स्टाइल के साथ, तो थोड़ा सा इसको डिफरेंट करने के लिए नेक्स्ट से हमने एक योग दे दिया। ये आपको मार्केट में एज अ पैच भी मिल जाएगा या कोई भी और कपड़ा परचेज करके, हाफ एंड मीटर परचेज करके आप ऐसे योग भी दे सकते हैं, जिससे आपका स्टाइल भी डिफरेंट हो गया और साड़ी से थोड़ा हट कर कर भी लगा। ये आप डिज़ाइन आप ज़रूर तैयार कीजिए, ज़रूर रेडी करवाइए और पहनने के बाद कैसा लगा मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और एक अपनी पिक भी भेजिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट डिज़ाइन पे। ये वाला भी स्टाइल हर तरह के बॉडी टाइप पर सूट ज़रूर करेगा। ये जो स्टाइल है ये भी बहुत ऑसम है, लेटेस्ट ट्रेंड है, गरारा स्टाइल है। लेकिन पहले में और इसमें क्या डिफरेंस था, वो उसमें जो नीचे से जो प्लीट्स थी, जो गैदर जो आ रहे थे वो नीज से गैदर्स आ रहे थे। इसमें जो गैदर्स आ रहे हैं वो हाफ थाइज में से गैदर्स आ रहे हैं। लास्ट वाले में पेपलम स्टाइल था, इस वाले में सिंपल कुर्ती है। लास्ट वाले में कोई बॉर्डर नहीं था, सिंपल प्रिंटेड साड़ी थी। जो ये वाली साड़ी थी इसमें बॉर्डर है और इसमें सारा जो बॉर्डर अरेंज किया हुआ है ये या तो आपके दुपट्टे पे अरेंज किया हुआ है और आपके स्लीव्स पे अरेंज किया हुआ है और कुर्ते के हेमलाइन पर अरेंज किया हुआ है। तो साड़ी का बॉर्डर तो यहाँ निकल गया, बाकी डिज़ाइन आप खुद भी देख सकते हैं। इस साड़ी को रीडिज़ाइन कराइए, आप गरारा सूट बनवाइए और आप कैसे कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपने पिक ज़रूर भेजिए। नेक्स्ट डिज़ाइन को आप देखिए, इसमें जैकेट बनी हुई है। इसका प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास कोई भी साड़ी है, आइदर इट इज मेड फ्रॉम नेचुरल फैब्रिक, आइदर इट इज नेचुरल फैब्रिक और मैनमेड फैब्रिक, डजंट मैटर, आपको बस साड़ी लेनी है और एक जैकेट रेडी करवा देनी है। ये जो डिज़ाइन है ये टीनेजर्स में बहुत फेमस है और टीनेजर इसको पहन के बहुत कॉन्फिडेंट भी फील करती हैं। अगर आप थोड़े मोटे भी हैं
अगर आपकी बॉडी पियर शेप्ड है या एप्पल शेप्ड है, जो जैकेट है ये आपको कवर कर देगी और कंपैरेटिवली स्लिम दिखाई देगी। तो ये स्टाइल आपकी वार्डरोब में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिससे आप इसे कहीं भी कैसे भी पहन के जा सके। इस जैकेट को थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए हमने इसके कफ्स में डिफरेंट एलिमेंट दिया है, डिफरेंट फैब्रिक एड ऑन कर दिया। आप चाहे तो इस फैब्रिक को आप अपने कॉलर में भी यूज कर सकते हैं। इसको आप जीन्स टॉप के साथ भी कैरी कर सकती हैं, सिंपल सूट के ऊपर भी आप कैरी कर सकती हैं और प्लेन साड़ी के ऊपर भी आप कैरी कर सकती हैं। तो ये आप डिजाइन करवाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में अपने पिक जरूर भेजिए। ये वाला डिजाइन भी बहुत फेमस है, बहुत ट्रेंड में है। आप साड़ी में से इस तरह की जैकेट डिफरेंट पैटर्न में जरूर डिजाइन कराइए। स्क्रीन पे जो आप जैकेट देख रहे हैं, मैक्सिमम इस तरह की प्रिंट वाली साड़ीज हर घर में मिलेगी, लेकिन जो लोग साड़ी नहीं पहन पाते हैं या जिनके पहनने में साड़ी नहीं आती, इट्स बेटर आप इन साड़ी को कन्वर्ट कराइए। उसमें जो आप ज्यादा पहनते हैं या जिसको पहनने में आप कंफर्टेबल फील करते हैं, इस तरह की साड़ीज में आप कुर्ता भी बनवा सकते हैं, आप पूरा सूट भी स्टिच करवा सकते हैं और इस तरह की जैकेट भी स्टाइल करवा सकते हैं। इस तरह की जो जैकेट्स हैं वो एसिमेट्रिकल हेमलाइंस के साथ बनी हुई है, या आप कह सकते हैं हैंकर चीफ पैटर्न है इसका, और फ्रंट में जो कॉलर है वो भी डिफरेंट है विथ 3/4 स्लीव्स। इसकी अगर आप साड़ी में से ये वाली जैकेट आप रीडिजाइन कराते हैं तो बहुत सारा फैब्रिक बच जाता है, तो उस फैब्रिक में से अगर आपके बेटा है तो बेटे का कुर्ता स्टाइल करवाइए, अगर आपकी बेटी है तो बेटी का भी आप कुर्ती स्टाइल करवा सकते हैं, तो आपका जो डुअल जो कॉम्बो है वो भी परफेक्ट दिखेगा। अगर आप वेस्टर्न पहनने का बहुत ज्यादा शौक रखते हैं और बेसिकली साड़ी आपके पहनने में नहीं आती है, मैक्सिमम वेस्टर्न की तरफ ही जाते हैं, तो ये वाली फ्रॉक आपके लिए बेस्ट रहेगी। अपनी साड़ी निकालिए और अपना ड्रेस स्टिच करवाइए विद योर ऑन क्रिएटिविटी। इसका मैं आपको बैक भी दिखाऊंगी और इसका फ्रंट भी दिखाऊंगी, और हाँ, मुझे बनवा करके मुझे पिक शेयर करना ना भूलें। ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं ये भी साड़ी में से रेडी किया हुआ है और आप साड़ी में से रेडी करवा सकते हैं। ये प्लेन साड़ी है, डजंट मैटर कि मैनमेड फैब्रिक से बनी हुई है या नेचुरल फैब्रिक से बनी हुई है। सिंपल लॉन्ग कुर्ती, एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे पॉम पॉम की लेस लगाई है स्लेट पे, फ्रंट में कॉलर दिया है, कॉलर के साथ एक पट्टी दी है, और इसको थोड़ा सा वेस्टर्नाइज करने के लिए, इंडो वेस्टर्न करने के लिए हमने वेस्ट पे एक ड्रॉस्ट्रिंग दे दी, और ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अल्टीमेट साड़ी में से आपका कुर्ता रेडी हो गया, बनके तैयार हो गया। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कौन कौन से पैटर्न जो आजकल बहुत ट्रेंड में है अपने ही वार्डरोब से निकाल के आप कैसे उसको अपने ही बजट में रीडिजाइन कर सकते हैं। आप उनको रीडिजाइन करेंगे तो आप देखेंगे आप खुद में बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपका फेस्टिवल्स भी इको फ्रेंडली होगा। तो एक बार आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर आपने कुछ भी रीडिजाइन कराया है तो प्लीज मुझे अपने पिक जरूर भेजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कि कोई भी आपके पास साड़ी है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि उसका हम क्या डिजाइन कराए, क्या पैटर्न होना चाहिए और मेरी बॉडी पर वो पैटर्न सूट करेगा या नहीं करेगा, ये जानने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेरीज भेजिए, तो मैं आपको रिवर्ट जरूर करूंगी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।